प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल के विरोध को बताया सियासी धोखा। कहा, चुनाव के पहले झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करता है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जल जीवन मिशन ऐप और कोष का शुभारंभ। कहा, पानी को प्रसाद की तरह माना जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज। प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कसा केंद्र सरकार पर तंज। कहा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। कृषि कानूनों को महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जोड़ा। जनरल एमएम नरवणे का चीन पर बड़ा बयान। कहा, चीन की हर हरकत पर रहेगी हमारी नजर। सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा है चीन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं नई पार्टी का गठन। कांग्रेस पार्टी के नाराज सांसदों और मंत्रियों को कर सकते हैं शामिल। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर हो सकती है बढ़ोतरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत हुई $80 प्रति बैरल के पार। 68 साल बाद टाटा ग्रुप की हो सकती है एयर इंडिया। टाटा ने अब तक की सबसे बड़ी बोली लगाने के दिए संकेत। वहीं वैक्सीनेशन पर भिड़े भारत ब्रिटेन। सीरम के सीईओ आदार पूनावाला बोले, यूके के नियम पूरी तरह से अराजक। और राधिका मदन सनी कौशल की फिल्म शिद्दत हुई रिलीज। फिल्म में मोहित रैना और डायना पेंटी की भी अहम भूमिकाएं। दर्शकों से फिल्म को मिला साधारण रिस्पॉन्स।